आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महान व्यक्तियों का अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि महान थॉट्स के लिए महान व्यक्तियों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि जीवन में अगर चमकना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक बार अच्छी लाइन में उन्होंने एक बार कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम पहले सूरज की तरह जलना सीखो, क्योंकि बगैर जला हुआ कोई भी वस्तु प्रकाश देख ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए पहले उसे जलना पड़ता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इंसानों को देखते हैं कि कठिनाई आने के बाद वो घबरा जाता है, जीवन से तंग आ जाता है, कभी कभी तो ऐसा स्थिति बना लेता है अपने जीवन में, लगता है कि यार उसके लिए सोसाइटी सबसे अंतिम कंडीशन है। इसलिए वो तथा उन्होंने कहा कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयाँ जरूरी है, क्योंकि बगैर कठिनाइयों का कोई व्यक्ति अपने जीवन में आनंद का महत्व समझ ही नहीं सकता। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी विद्यार्थी की, कि किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से कोई एक है तो वो है उसका प्रश्न पूछना। इसलिए बच्चे को हमेशा प्रश्न पूछने के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा सी बातें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम इंसानों के ऐसे थॉट्स होते हैं कि जो बच्चे शायद अपनी क्लास में पीछे बेंच पे अगर बैठते हैं तो शायद वो एक मेडियोकर स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनके कथनानुसार देश के सबसे बेहतरीन दिमाग अक्सर क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर मिलते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति को पीछे बैठे देख उसके दिमागों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। थैंक्स।